अपना एक परिचय दीजिए। मैं संतोष कुमार गुप्ता, साधन सहकारी समिति लिमिटेड, डेयरी सचिव। आज 5 अगस्त को राशन के लिए किस प्रकार का दिशा निर्देश था? प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल निःशुल्क वितरण करना सुनिश्चित करना आदेश मिला है। प्रधानमंत्री जी द्वारा क्या क्या लाभ दिया जा रहा है लोगों को? हम लोग के यहाँ से तो वही कार्ड पे 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से राशन दिया जा रहा है, और उनका ये मुफ्त टीकाकरण है। आपके सहकारिता केंद्र पर किस प्रकार से लोगों को राशन दिया जाता है तथा किन किन कोरोना काल में किन किन प्रक्रियाओं द्वारा उनको राशन वितरण किया जाता है? वही अंत्योदय कार्डधारकों को निःशुल्क वितरण किया जाता रहा, और प्राप्त गृहस्थी वालों को वितरण किया जाता है निःशुल्क। कोरोना काल में किस प्रकार की प्रक्रिया की जा रही है? प्रक्रिया वही प्रधानमंत्री जी का आज 5 तारीख को 11 बजे से राम टीवी पे आने वाला है, और कार्डधारकों को सुनिश्चित कर दिया गया है। आपके सहकारिता केंद्र पर किन प्रक्रियाओं द्वारा लोगों को राशन दिया जाता है कोरोना काल में? कार्डधारकों को सूचित कर करके बुला करके और सैनिटाइजर से हाथ धुला करके और मास्क पे लगा करके और दूरी बना करके राशन वितरण किया जाता है।